हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं पॉटी भी। कैसे हैं आप लोग? मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो आज पीछे देख रहे हैं काफ़ी सामान बिखरा हुआ है, बच्चा लोग सो रहा है, तो आज ये बच्चे चले जाएंगे और मासी भी चली जाएगी, मामी भी चली जाएंगी और कोलकाता से जिस भाई से मिलवाया था वो भी चला जाएगा। तो ये लोग जा रहा है आज, तो घर थोड़ा खाली हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और अभी सारी सब लोग पैकिंग कर रहे हैं, वो पैकिंग कर लेते हैं फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हेलो गाइस, मौसी जा रही है तो इसके लिए सब लोग तैयार होने लगे हैं। बड़ी वाली दीदी रोटी बना रही है, बड़ी वाली मामी जो है छान रही है और बड़ी वाली पूरी बना रही है, मामी गोला गोला कर रही है और मासी पानी का इधर उधर कर रही है। छोटी मासी तैयार हो गई है, यहाँ देखो ये देखिए, फटाफट सबके लिए नाश्ता रेडी हो रहा है। सब लगे पड़े हैं यहाँ पर सब वेट कर रहे हैं नाश्ता के लिए। कुछ सोए पड़े हैं, कुछ बैठे पड़े हैं, यहाँ सब फटाफट रेडी हो रहा है। सब अपने गाड़ी के लिए, अपना घर जाने के लिए सब फटाफट रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे आदि को उठाने का प्रयास हो रहा है लेकिन वो जो है इधर उठ जाओ, गुड मॉर्निंग बोल भैया, गुड मॉर्निंग बोल दो, बोल दो। हाँ बाबू, खुश रहो। तो यहाँ पे सब लोग निकल रहे हैं, बच्चे लोग भी निकल रहे हैं और ये सबका पैर छू रहा है, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है। लेकिन अब सब लोग जा रहे हैं। कब आओगे मौसी? कुछ नहीं, की जाके देखे खाओ जाके, अब जा रहे हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा। आने में जितनी खुशी होती है जाने में उतना ही दुख लगता है। हाँ, लेकिन मौसी फिर जल्दी से आए जा मौसी। अब लोग एक दूसरे का पैर छू रहे हैं। ये हमारी बड़की दीदी खाने के बाद सुना रही है टिंगू जिया चिंगी मुनी हम लग गया। मस बुआ बना ला सब्जी, ये फूफा जी बुआ, यहाँ पैसे का लेन देन चल रहा है। बच्ची तो कितना मिल ले कर मौसी, खाई लेना रली अभी। अच्छा जी, ये मौसा जी है। यहाँ पे धीरे धीरे सारा सामान आ रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ना जीजा। जीजा भी कल चले जाएंगे और रूम, घर में शादी का फंक्शन ऐसा होता है ना जहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ होती है, आती है तो बहुत बहुत खुशी होती है, लेकिन वो जाती है तो अच्छा नहीं लगता। बस जाएंगे, यहाँ बहुत आएंगे आप लोग, हैदराबाद वाले, अयोध्या वाले। हाँ, तुम कल जाएगी ना? कल जाएंगे। ये मामी भी कल जाएगी, वो तो छोड़ने जा रहे हैं आप लोग। ये तो ये भंटुया 27 को जाएगी, अभी नहीं जा रही है। ए रुको, यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। ई रिक्शा आ गया है, हैंड चेक कर लो, गले मिल लो। कब मिलोगे अब तुम लोग? वेरी नाइस। ये दीदी का लड़का है बाबू, फर्स्ट टाइम आया ना फैजाबाद? हाँ फैजाबाद। कैसा लगा, इंजॉय किया पूरा शादी? चलो मैं भी जा रही है मामी। कर अच्छा ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल हो गया मोमेंट, बहनें जा रही हैं एक दूसरे को छोड़कर, जो कि बहुत बुरा लगता है। मामा भी रोने लगे। बात जल्दी आइए, ठीक? चल काबू, कहाँ काबू? बाय। लोग चला गया है और
बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था। अब हम लोग वापस जा रहे हैं छत पर, वापस रूम में जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं अपडेट देती हूँ क्योंकि माहौल बहुत इमोशनल। सो गाइज, आज हम लोग घूम के आए हैं अयोध्या। अयोध्या आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश किया, उसके बाद घर में बन रही है बिरयानी जो कि गुड़िया दीदी बना रही है थोड़ा बंगाली स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं रेसिपी क्या है, अगर वो चली गई तो बनेगा कैसे, तो उसके लिए रेसिपी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट यहाँ से किचन में। और एक बात बता दूँ कि चिली पनीर और फ्राइड राइस भी बनने वाली है जो कि भैया बनाएगा। तो चलते हैं किचन में, आ गए किचन में। हाँ दीदी, रेसिपी बताओगी? हेलो, तो आलू बिरयानी बना रही हूँ। ओके, आलू बिरयानी बना रही है। आलू बिरयानी के लिए सबसे पहले क्या क्या, आलू को बॉईल किया, एक आलू को दो कट किया है, और फिर उसको कुकर में डाल के थोड़ा सा हल्दी या कलर डाल देते हैं, उसके बाद सीटी लगा देते हैं ना दीदी, एक सीटी। देन उसके बाद आलू को डीप फ्राई करते हैं, और फिर जो है देखिए डीप फ्राई की है, डीप फ्राई किया हुआ आलू कहाँ दीदी, ये डीप फ्राई किया हो गया आलू है। उसके बाद दीदी ने तेल डाला, उसके बाद दीदी प्याज डाला, ठीक है। फिर उसके बाद उसके मसाला में आधी प्याज लहसुन मिक्सर में पीस कर उसको फ्राई कर रही हूँ। उसमें हल्दी नहीं डालना है, कलर वाला लाल मिर्च गोला मिर्च मसाला गरम मसाला सब डालकर और उसमें आलू डाल दिया जाता है। ये मेरा मसाला तैयार डाला। जैसे ही पानी बॉईल होने लगेगा चावल उसने आधे घंटे से भिगो के रखा है वो डाल देगी, और वो मसाला अभी हो रहा है। तो अभी दीदी ने क्या डाला, गरम मसाला डाली है। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं दीदी का बिरयानी, नहीं दीदी का नहीं, आलू बिरयानी बनते ये गरम। तो जो दीदी ने गरम मसाला को थोड़ा सा रोस्ट किया है उसको पीस के अलग रखेगी, और चावल में मसाला डाला जाएगा तो उसके ऊपर से जो मसाला है गरम उसका छिड़काव कर दिया जाएगा। तो मैं जानती हूँ टेस्ट बहुत अल्टीमेट बनाती है क्योंकि मैंने खाया है, और ये रेसिपी मेरे लिए जाना बहुत ज़रूरी था। सो गाइस, डिनर रेडी है। ये है बिरयानी, उसके बगल में है कटोरे में फ्राइड राइस, रोटी और पनीर, चिली पनीर। सो बिरयानी बनाई दीदी, चिली पनीर और फ्राइड राइस बनाया भाई, रोटी बनाई मेरी बुआ ने, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इधर इसमें रोटी बुआ ने बनाई क्योंकि हम और दीदी सब व्यस्त थे ये सारा सामान समेटने में और जो लोग जा रहे हैं उनकी विदाई करने में, तो बुआ ने हमारी हेल्प की।